सलाम नमस्ते सत श्री अकाल। आज का दिन बहुत ही स्पेशल दिन है मेरे लिए, क्योंकि आज हमारा किचन चालू हो रहा है। बाबा जी आ चुके हैं और कड़ा प्रसाद बना रहे हैं, तो खुशी की बात इसलिए क्योंकि किचन चालू हो जाएगा तो मैं आपके लिए कल से रेसिपी के वीडियो बना सकूंगा। तो आज आपको बाबा जी के हाथ का कड़ा प्रसाद देखने को मिलेगा, सीखने को मिलेगा। तो आपने वीडियो पूरा देखना है ताकि आपको असली अमृतसर वाला टेस्ट आपके घर में मिल सके, बाबा जी के हाथ का टेस्ट आपके घर में मिल सके। आपको दिखाता हूँ बनाने का प्रोसीजर। सबसे पहले पानी को उबाल के रखते हैं, ये सिर्फ पानी उबाल के रखते हैं। और ये देखिए कढ़ाई, इसमें घी डाल दिया है, घी गर्म हो चुका है। अब इसमें डालेंगे आटा। 1 किलो घी में आपने 1 किलो गेहूं का आटा डालना है, इस चीज का आपने ध्यान रखना है। और ये देखिए पहले घी को गर्म कर लेते हैं, इनका स्टाइल हमारे स्टाइल से अलग होती है। घी गर्म कर लेते हैं, उसके बाद थोड़ा थोड़ा करके आटा डालते हैं। सबसे खास बात क्या है वो आपको बता दूं, खास बात ये है हम वजन करते हैं, ये वजन नहीं करते हैं, क्योंकि इनके हाथों में ही वजन है, ये अपने अंदाज से बनाते हैं। तो वजन मैं इसलिए बता रहा हूँ क्यों आप घर में बनाएंगे तो आपको पता चल जाए। बाबा जी ने कोई भी चीज वजन नहीं किया, और जो अमृतसर वाला आप बोलते हैं ना या गुरुद्वारे वाले प्रसाद में इतना टेस्ट में होता है, जब ये बनाते ना तो पाठ करते जाते हैं, पढ़ते जाते हैं। तो आप भी अगर भगवान का नाम लेते लेते बनाएंगे, गुरु जी का नाम लेते लेते बनाएंगे, तो आपको टेस्ट अपने आप ही आ जाएगा, कोई चीज की टेंशन नहीं करना है। इनके हाथों में जो जादू आता है वो इस वजह से आता है कि ये पढ़ते जाते हैं, पाठ करते जाते हैं और बनाते जाते हैं, अपना काम करते हैं, भगवान का नाम लेते हैं, बाबा जी का नाम लेते हैं, इसलिए टेस्ट आता है। तो अब ये देखिए, मुझे तो ये लग रहा है ना आटा डालते ही हलवा बन के तैयार हो गया, ऐसा बढ़िया कलर आ गया है। देखिए ये होता है हाथों का जादू। अब ये आराम से धीरे धीरे आटे को भूनेंगे और पूरे किचन में खुशबू हो जाएगी मजेदार। और आपको मैं बीच बीच में दिखाता भी जाऊंगा। ये देखिए कितने प्यार से चला रहे हैं, मतलब मैं तो इतनी जल्दी जल्दी चलाता हूं ना, अब इनके हाथों में जो प्यार है ऐसा लग रहा है कि इतने प्यार से चला रहे हैं जैसे आटे को चोट ना लग जाए। देखिए कितने प्यार से चला रहे हैं, और हम चलाते हैं ऐसे इतनी जल्दी कि आटे को बस हमने मार ही देना है। ये देखिए ये प्यार ही है जो इतना बढ़िया टेस्ट लेके आता है। तो आपने भी ऐसे प्यार से दिल से मन से बनाना है। और एक चीज आपको बता दूं, अगर आपने कड़ा प्रसाद बनाना है तो आपने ड्राई फ्रूट नहीं डालने, ना ही उसमें इलायची डालनी है। 3-4 आइटम डालने जो हम डालते हैं उसी से बढ़िया टेस्ट आएगा, क्योंकि उसमें भगवान का गुरु जी का नाम होता है। तो आपने नाम जपते जपते बनाना है बस, फिर उससे अच्छा कुछ नहीं बनेगा। देखिए कितनी अच्छी तरीके से पक रहा है, देख रहे हैं ना आप, और प्यार देखिए कितने प्यार से चला रहे हैं। फिर से बता रहा हूं आपको, क्योंकि ये प्यार ही है ना कमाल की चीज। और सबसे जरूरी चीज जो मैंने आपको बताना है वो मैं भूल गया हूं, अभी बताता हूं। जरूरी चीज ये है, आपने प्रसाद बनाना है तो आपके पैरों में चप्पल नहीं होना चाहिए, नंगे पैर बनाना है। तो मुझे ये चीज याद आई तो मैं बोला आपको बता दूं, बताना जरूरी, आपने चप्पल पहन के नहीं बनाना है, नंगे पैर बनाना है, इस चीज का भी आपने ध्यान रखना है। अब ये देखिए इसका कलर कितना बढ़िया हो गया है। अब ये थोड़ा सा पानी डालेंगे ठंडा हो, ताकि और भी अच्छे से पके। ये ऐसी टेक्निक होती है, पानी डालने के बाद चीनी डालना है आपने। ये देखिए ऐसी छोटी छोटी टेक्निक हमें पता नहीं होती है, इसलिए हमारा हलवा कड़ा प्रसाद इतना अच्छा नहीं बन पाता है। अब इन्होंने क्या किया, पहले पानी डाला हल्का सा 1/2 कप, उसके बाद चीनी डाली। अब इसको चलाएंगे, उसके बाद जो हमने गर्म पानी करके रखा था वो ये देखिए डाल रहे हैं। पानी ये अंदाज से डालते हैं, अब ये पकाएंगे, वजन नहीं करते हैं, सब कुछ इनको पता होता है, क्योंकि इनके हाथों में शिफा है तो वो अपने आप ही बढ़िया बनता है, और गुरु जी का नाम लेते हैं। ये देखिए कलर देख रहे हैं ना आप, जो सबसे कमाल की चीज है ना वो है इसका कलर, मतलब जितना मैं बोलूंगा इस कलर के बारे में वो कम होगा। ऐसा लग रहा है जैसे बादामों को पीस के और एकदम
बढ़िया कलर आ गया, ब्राउन डार्क मस्त। अब ये बहुत ही प्यार से चला रहे हैं, कोई जल्दबाजी नहीं है, आप देख ही सकते हैं। और ऐड कर रहे हैं और चला कितने प्यार से रहे हैं। वो चलाने का तरीका मेरे को इतना पसंद आ रहा है ना, बस मैं भी कुछ सीख गया। मतलब मैं तो हमेशा कुछ ना कुछ सीखता ही हूँ, आज भी मैंने एक चीज सीखी, ये गुरुद्वारे के जैसा हलवा बनाना और इसको कितने प्यार से हैंडल करना है, हलवे को कैसे चलाना है। ये देखिए कितना अच्छा हुआ है और प्यार देखिए, प्यार झलक रहा है, मजा आ गया। ये देखिए ऐसा तो हमको आता ही नहीं, हम तो इतनी जोर जोर से चलाते ना, बस ऐसा लगता है कढ़ाई में छेद कर देंगे। अब इनका प्यार देखिए, कढ़ाई को चोट भी नहीं लग रही है और आवाज भी नहीं आ रही है, इतना प्यार है, मजा ही आ गया। वेरी गुड, थैंक गॉड। अभी देखिए चलाते चलाते इनको पता चल गया थोड़े से पानी की जरूरत हो रही है, और गैस अभी नीचे से बंद नहीं है, गैस उतनी फास्ट है जितनी शुरू में थी। ये देखिए गैस को इन्होंने कुछ छेड़ा नहीं है। ये हमारे होटल की लो फ्लेम है, क्योंकि होटल में गैस बहुत फास्ट आती है, आपने घर में फास्ट ही रखना है। ये देखिए बहुत ही प्यार, फिर से बता रहा हूँ कलर के बारे में, कलर बहुत ही मस्त आया है, मतलब बहुत ही बढ़िया। अब बाबा जी ने मुझे बोला ठंडा पानी डालेंगे, उससे कलर और भी अच्छा आएगा, लाइट कलर हो जाएगा और अच्छा कलर आएगा। देखिए ऐसे इन्होंने ठंडा पानी छिड़का, ये है टेक्निक, ये हम लोगों को नहीं पता है, हम चाहे जितने भी बड़े शेफ बन जाएं लेकिन ऐसी छोटी छोटी टेक्निक हमें नहीं पता होती है। अब इन्होंने ठंडा पानी इसमें छिड़का है, इसका फायदा क्या है, इससे कलर अच्छा हो जाएगा, मतलब लाइट कलर हो जाएगा। देखिए आपके सामने ये पानी छिड़कते ही हलवे में लाइट कलर हो गया, बहुत ही बढ़िया कलर हो गया, मजा आ गया। ये है टेक्निक। थोड़ा सा पानी और छिड़केंगे, ये मतलब अपनी पसंद का ही बनवा के रहेंगे। जब तक इनको दिल में शांति नहीं होती है, ये पानी छिड़क के चलाते रहेंगे, बनाते रहेंगे, मतलब गैस बंद नहीं होगी जब तक इनको दिल में एकदम शांति हो जाएगी कि यार अब ये परफेक्ट है, तभी गैस बंद होगी। इस चीज का आपने ध्यान रखना। ये देखिए अभी भी ये पका रहे हैं, पका रहे हैं, पका रहे हैं, बहुत ही प्यार से। देखिए बाबा जी ने बताया कि जब तक हम लोग पानी डालते हैं, जब तक हलवा कढ़ाई को छोड़ ना दे, मतलब जब तक कढ़ाई कढ़ाई में चिपक रहा है तब तक मतलब तैयार नहीं है, इसलिए ये पानी डालते रहते हैं, क्योंकि कढ़ाई और हलवा अलग नहीं हुए, अभी ये चिपक रहा था, अब ये देखिए नीचे से छोड़ने लगा है, इसका मतलब अब ये पूरी तरीके से तैयार हो गया है, अब ये ना टाइट होगा ना मतलब जमेगा, अब ये बन चुका है, क्योंकि आटे ने पानी को बहुत ही अच्छी तरीके से पी लिया है, अब अच्छे से पक चुका है। अब हलवा देखिए कढ़ाई छोड़ने लग गया है, मतलब फूल गया, एकदम बढ़िया तरीके से बन गया। देखिए अब जाके गैस बंद होगी, थोड़ा सा ये मिक्स करेंगे उसके बाद गैस बंद करेंगे, मतलब आपने जब तक पानी छिड़कना है तब तक, जब तक हलवा कढ़ाई को छोड़ ना दे, मतलब कढ़ाई में चिपक रहा है तो वो बना नहीं है, ये छोटी छोटी बातें आपने ध्यान रखनी है। अब मैं गैस बंद कर रहा हूँ, देखिए अब बाबा जी को मतलब शांति हो गई दिल को कि हलवा बन गया। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, हमारा काम पसंद आया है, आपके दिल को टच किया है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ। आपको फाइनल दिखाता हूँ, ये देखिए इसको भी छोड़ दिया, बाबा जी ने बोला ये भी आप दिखाओ, ये देखिए ये पलटे में भी हलवा लगा नहीं है, ये देखिए मतलब ये देखिए, आप समझे ना, आप जब ऐसे हलवे में ये पलटा डालेंगे और ऐसे निकालेंगे तो बिल्कुल हलवे में लगेगा नहीं, इसका मतलब ये
अब जाके पकाए। और बाबा जी ने एक बात बोली कि अभी वीडियो खत्म मत करो, मैं जिस बर्तन में हलवे को डालूंगा प्रसाद को, वो बर्तन में भी चिपकेगा नहीं। ये है इसकी टेक्निक, ये देखिए बिल्कुल चिपका नहीं है, इसका मतलब ये बहुत ही बढ़िया बन गया है। देखें ना क्या खुशबू, क्या कलर, खुशबू का कोई जवाब नहीं है, बहुत ही बढ़िया खुशबू हो गई।